सो हेलो गाइस, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पेन टिप्स। सो गाइस, आज देख सकते हो आज हमारे साथ कौन आया है। अपना गिल्लू आ रखा है यहाँ पे, बैठा हुआ है बिल्कुल, देखो कितना आराम से। इसको मैं डेली छत पर लाता हूँ, बट वीडियो में कभी नहीं दिखाया। मैंने एक वीडियो बना के मैंने इसकी पर्सनल डाली थी जब ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जब हमें मिला ही मिला था। तो अब देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, जो भाई देखा हो जिसने भी पहले, और अब देख लो गाइस कितना ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो ये इसको मैं मॉर्निंग में लेकर आता हूँ, शाम को तो आज फर्स्ट टाइम ही लेकर आया हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह लेकर आता हूँ, सुबह सुबह क्योंकि गिलहरियाँ घूमती है ना बहुत सारी, तो उनके साथ ये घूमता है थोड़ी देर और फिर नीचे ले जाता हूँ। मैं खुद ही आ जाता भाई, मतलब हमारे पास खुद आ जाता है छोड़ते ही। और मैं आज जो भाई इसका रिएक्शन दिखाएंगे कि कबूतर इससे डरते हैं या फिर ये कबूतर से डरता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की भी गाइस। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो नीचे, और बेल आइकन आ रहा होगा भाई ऑल पे प्रेस कर देना उसे। ठीक है, और लाइक करना वीडियो पे और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलो पहले तो कबूतर को खोलते हैं फटाफट से। आज भी भाई रंजन भाई अपने कबूतर नहीं खोलेंगे, सिर्फ मैं अपने ही खोलूँगा जैसे कल खोले थे। तो फटाफट से उनको खोलता हूँ। वैसे ये देखो कितना शांत बैठा हुआ, सो रहा था तो मैं इसको उठा के ले आया, तो ये शौक हो रखा है क्या। अब देखो एक्टिव हो गया, देखो अब घूम रहा है। देखो देखो अभी एक बार उछलने लगेगा ना, तो इस वाली टंकी वाली छत पर, ये सामने यहाँ छत पर, और ये जो नया वाला घर बन रहा है ना इस पर भी चला जाता है, मतलब इतनी दूर में ही घूमता है अभी तो। और इसके लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, जितना ही घूम रहा है अभी। तो चलो गाइस फटाफट से कबूतर खोलते हैं। तो गाइस तो कबूतर को दिया मैंने खोल। अपना गिल्लू ना भाई कबूतर से डर रहा था, अभी मंदिर लेके गया था इसको, तो देखो ये कहाँ चढ़ा हुआ है, पैर पे चिपका हुआ है मेरे। और इसके नाखून भाई इतने ज़्यादा तेज है ना कि देखो इसने छील रखा है पूरे हाथों पे। बट सबके साथ रहता है, बिल्कुल फैमिली की तरह रहता है भाई हमारे। ठीक है, बिल्कुल फैमिली से अटैच है बिल्कुल। देखो भाई कितना क्यूट है, कितना ज़्यादा क्यूट है यार, कुची 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 भाई, बहुत क्यूट है लिटरली यार। वैसे आप कहोगे कि भाई इसको हम आज़ाद क्यों नहीं कर रहे, भाई हम इसको आज़ाद करते हैं, चाहता तो ये भाग सकता है। देखो अभी भी जैसे कि मेरे कंधे बैठा था, चाह सकता है तो भाग सकता है। और मैं इसको आपको नीचे भी छोड़ के दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, क्योंकि मैं पहले कबूतरों का रिएक्शन ले लूँगा ना कि कबूतर डर रहे हैं या फिर ये डर रहा है, फिर इसके बाद मैं छोड़ दूँगा अपना घूमे चाहे कुछ भी करे। अभी तो भाई क्योंकि जब मैं छोड़ देता हूँ ना तो ये पकड़ में नहीं आएगा, मैं पकड़ना भी नहीं चाहता, फिर ये शाम को थोड़ी देर घूम लेगा फिर खुद आ जाएगा, इसलिए मैं बाद में छोड़ूंगा इसको थोड़ी देर बाद। तो अभी तो छत पर छोड़ेंगे, देखते हैं भाई कबूतर डरते हैं या फिर नहीं। वैसे तो भाई कबूतर नहीं डरते, मैंने देखा क्योंकि बाहर की गिलहरियाँ होती हैं ना वैसे नहीं डरते। और ये भाई डर रहा है, अभी छोटा भी है ना भाई काफ़ी ज़्यादा, अभी ज़्यादा ज़्यादा इसको 1.5 महीना हुआ है हमारे पास। ठीक है, मैक्सिमम भाई मान लो 2 महीने हो गए जब से पैदा हुआ, जब से 2 महीने का हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है अभी। तो एक बार देखेंगे भाई छोड़कर क्या रहता है रिएक्शन इसका, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ मिस मत करना वीडियो को एंड तक देखना। और उसी के साथ साथ अपना एक नया कबूतर भी उड़ चुका है। ओए ओए क्या बात है, क्या बात है भाई, चार पाँच कबूतर उड़ गए एक साथ। आओ 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 भाई, लाल वाले का पूरा जोड़ा ही उड़ गया। ये कहाँ कहाँ भाग रहे हैं अपने आप ही। आया आया आया, कबूतरी भी उड़ गई भाई, लाल वाली वो भी उड़ गया भाई, सारे उड़ रहे हैं, बाप रे बाप। ये देखो भाई सारे उड़ रहे हैं, ये देखो ये वाली नई कबूतरी कलसरी उन्हीं भाई की, और ये लाल वाली भी नहीं है भाई उन्हीं भाई की, दो कबूतर उड़ रहे थे भाई नए, और वो तो अपनी है पुरानी वाली कल्चर, मतलब अच्छा है भाई। तो कबूतर खोलने लग गए ना, तो कबूतर भी अब मस्त मस्ती में रह रहे हैं बिल्कुल। तो चलो इनको छोड़ते हैं भाई थोड़ी देर घूमने के लिए, फिर अपने गिल्लू को भी छोड़ेंगे, रिएक्शन लेंगे कैसा रिएक्शन आता है। सो गाइस तो इसको पकड़ लिया मैंने हाथ में, देखो अब इसको नीचे छोड़ देते हैं। देखो भाई देखो डर रहा है यार, यही डर रहा है भाई कबूतर से। मैंने तो सोचा कबूतर डरेंगे पर नहीं, ये डर रहा है यार। अब मुझे नहीं पता भाई छोटा है या फिर इस वजह से डर रहा है या फिर ये डरते ही हैं। देखो भाई कान वान कितने ज़्यादा खड़े कर रखे हैं इसने, अग्रेसिव हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। देखो 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 यहाँ छोड़ो बाउंड्री पे, चल जा यहीं छोड़ देता हूँ मैं डेली भाई, अपना घूमता रहता है। देखते हैं भाई कबूतर उड़ाने डालते हैं। हाँ देखो डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है भाई, डर रहा है, देखो कितना ज़्यादा डर रहा है, पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। देखो चला गया चला गया, ऐसे ही चला जाता है भाई, देखो यहाँ उतर गया अभी, ऐसे ही थोड़ी देर घूमेगा फिर शाम तक आ जाएगा। तो भाई ज़्यादा अच्छा रिएक्शन तो आएगा नहीं, मुझे पता था क्योंकि ये भागेगा इतनी तेज डर डर के। एक बार और उठा लेते हैं यहाँ से, आ जा। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे इतनी तेज़ी में चढ़कर आया ना, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आके बैठ गया कबूतर, जैसे ही उड़े ना हल्के से बहुत तेज़ी में आके बैठा है यहाँ पे। और ये देखो इसके नाखून के निशान, देखो कितने ज़्यादा नाखून मार मार के जा रहा है ये, देखो हर जगह। गिल्लू डर रहा है बेचारा, ये देखो भाई कैसे बैठा कैसे, ये तो देख लो भाई एक बार, बिल्कुल सुखड़ कर बैठ गया है। मतलब भाई कबूतर से भाई गिलहरियाँ डरती हैं। ठीक है, और मैंने वैसे तो भाई कबूतर को लॉफ्ट में भी जाते हुए देखा है गिलहरियों को बहुत बार, बट इसको मैं सुबह लेके आया था ना तो ये भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसका ही रिएक्शन लिया जाए। एक बार और दाना डालते हैं, देखो मेरे हाथ में है दाना, ठीक है दाना है मेरे हाथ में। एक बार देखो गिल्लू पे फोकस कर रहा हूँ भाई, ठीक है गिल्लू पे आप देना ध्यान अपना, और मैं दाना डालता हूँ। देखो अभी कंधे पे है तो कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि
इसको पता है भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला जब मेरे पास है ना, इसलिए इस वजह से ही डरा नहीं इतना। इसको एक बार नीचे छोड़ते हैं भाई, ये हाथ में भी नहीं आ रहा, देख रहे हो। इसको बाउंड्री पे छोड़ता हूँ, बाउंड्री पे जा ही नहीं रहा गाइस। सुबह लाता हूँ ना तो पूरी छत पर घूमता है, बट अभी जो है भाई घूम ही नहीं रहा कहीं भी। तो ये भाई डर रहा है, साफ पता चल रहा है मुझे। ठीक है, नीचे छोड़ना चाहता हूँ बट नीचे छोड़ ही नहीं पा रहा मैं। गिल्लू नीचे उतर चुका है, ये रहा देखो, ये रहा यहाँ पे है। दो डांड डालो। ओ भाई अंदर गया, अंदर गया। तो भाई पूरी पूंछ खड़ी कर रखी है पूरी, इसको दाना डालते हैं। ये भी भाई बाजरा खाता है, ले अंदर घुस गया है तो पूरा। बाहर आ जा गिल्लू, गिल्लू भाई इसका नाम बताना कैसा है। गिल्लू बहुत क्यूट नेम रख रखा है। ऊपर चढ़ेगा ये, देखो ऊपर जा रहा है। कहाँ है कहाँ है, आ जा दिख जा। देखो ये ऐसे ही घूमता रहता है, जैसी पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहेगा। अब सोचोगे कि पहचान में कैसे आता है सुबह। तो भाई अगर और गिलहरी होते हैं ना, मतलब और जो दूसरी है उसके पास जाओगे तो भाग जाती है, बट अगर इसके पास जाओगे ना तो ये हाथ पे चढ़ जाता है खुद ही। ठीक है, लड़का है भाई, देखो वहाँ भाई सबसे ऊपर जाके बैठा पड़ा है, देखो बांस पे सबसे ऊपर जाके बैठा पड़ा है। वो बताना यार कैसा है गिल्लू। बहुत क्यूट है, लिटरली इतना ज़्यादा क्यूट है ना, कोई शब्द नहीं है इसके आगे बोलने के लिए। बट भाई भगवान की दुआ थी जो इसका रेस्क्यू किया था हमने, और इसको भाई नहीं तो डॉग खा ही जाता। बस प्लीज़ यार, आप भी ऐसी एनिमल्स की, कोई भी जीव हो चाहे कुछ भी हो भाई, प्लीज़ जहाँ जहाँ हेल्प करने की कोशिश किया करो। बस मेरा तो बोलने का मोटिव है मेरा एक यही कि भाई जहाँ जहाँ अपने जो भी पेट है भाई, कोई भी एनिमल, ये नहीं है कि हमारा पालतू हो तभी हेल्प की जाए, कोई भी हो भाई चाहे, ठीक है सबकी हेल्प करा करो। हमारे पास कोई डॉग आता है, जो भी आता है, हम सबकी हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं हम कबूतर पालते हैं तो सिर्फ कबूतरों की हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। बस छोटी सोचे वालों की ऐसी सोच रहती है। ठीक है, तो बाकी कबूतर घूम रहे हैं, उनको भी दाना देना, उनको भी दाना डाल देते हैं। रंजन भाई उनको सुबह खोला करेंगे कल से, आज तो खोला नहीं उन्होंने, वो कहीं चले गए हैं, तो कल से खोलेंगे। बाकी कबूतर ये रहे सारे, देखो दुआज वुआज सब उड़ रहे हैं भाई, देखो दुआज भी अपना नया है। ओए कबूतर गिर गया, कबूतर गिर गया, गिर गया, गिर गया। बिल्ली बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, नहीं भाई प्लॉट में गिर गया यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद जो एंड है, अब लेके कौन आएगा। सूरज को बोलता हूँ गाइस, वहाँ गिर गया, देखो यार। फाइनली गाइस मैं ना ऊपर ले आया हूँ कबूतर को, बट उसने नीचे ही रख रखा है अभी। और गिल्लू भी अपना अभी तक वहीं घूम रहा है, और प्लॉट में जो है भाई आग भी लग गई है। और भाई देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ आग लगी पड़ी है प्लॉट में, लकड़ी है सिर्फ, खाली लकड़ी। बाकी भाई कबूतर ले आया हूँ मैं ऊपर, अभी लेके आ रहा है वो, अब उसको बंद कर देंगे अंदर, क्योंकि वो बाजू अंडा है तो फिर गिर जाएगा, उसको कैच करना पड़ेगा यार, नहीं तो बार बार, नहीं तो प्रॉब्लम देगा वो, बार बार गिरेगा तो हमें तकलीफ़ होगी और उसे भी तकलीफ होगी अगर लग गई कहीं गलत जगह तो। इसी वजह से कैच कर देंगे। बाकी तो इनको दाना देते हैं फटाफट से, और बंद करते हैं इन सबको, क्योंकि आग लग गई है और दिक्कत होगी हमें। अंदर छोड़ दे उस वाले घर में जा। ये रही भाई कबूतरी बाजू में, इसको अंदर ही छुड़वा देते हैं क्योंकि फिर गिर जाएगी नहीं तो अब, और आग लग गई है अलग प्लॉट में, दिक्कत देगा अब। आजा गिल्लू है। हाँ गिल्लू है, आ आ गिल्लू आ गया, आजा आजा। गाइस गिल्लू को लिया है पकड़, चलो नीचे, चलो नीचे छोड़िए, नीचे ही छोड़ने के लिए जा रहा हूँ भाई, नहीं तो ये भी कहीं काम वाम हो जाए इसका। कैमरे में चढ़ रहा है, देख रहा है कैमरे पे चढ़ गया। हाँ देखो गाइस ये रहा, इसके मनीष के पास ही है, जा नीचे छोड़ दियो। बाकी इनको दाना दे देते हैं यार अब फटाफट से। बताना हमारा गिल्लू कैसा लगा स्पेशल, ठीक है कमेंट करके नीचे एक छोटा सा बता देना कि गिल्लू अपना कैसा लगा। तो इसको मैं डेली लेके आया करूँगा छत पर, डेली आपको वीडियो में इसके साथ स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। अभी तो इनको मैं दाना दे ही रहा हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि खा ले ये भी सब। वो वाला कबूतर है ना गाइस, वो वाला ही पता नहीं कैसे नीचे गिरा हुआ था, मैं जब गया ना तो ये भी नीचे गिरा हुआ था, बट ये उड़ के आ गया ऊपर। पता नहीं नीचे गया था उसको देखकर या फिर ये गिरा था, ये नहीं समझ में आ रहा बस मुझे। क्या पता इसका जोड़ा उसके साथ इसलिए गया हो नीचे ये भी, लेकिन ये उड़ के आ गया, मेरे जैसे गया ना अंदर तो उड़ के आ गया। तो गाइस आज जो है हमारी छत पर आया है छोटू, अपनी नई छत पर पहली बार आ रहा है ना, पहली बार आ रहा है ना कबूतरों को देखने। नू कह रहा है तेरे काबली कहाँ है, तो मैंने कहा ये हमारे सारे काबली। कह रहा रंजन का कहाँ है, फिर मैंने कहा रंजन का ही बंदा है। बाकी छोटू अपना आया है कबूतर देखने, भाई शक्ल तो दिखा दे यार, मतलब धुपक रहा है, देख रहे भाई क्या शरमा रहा है, मतलब ऐसे काम नहीं चलता छोटू, चश्मा लग गया गया इसके इसलिए शरमा रहा है और ज़्यादा। ये देखो अब क्या रहा है, देख लिया। बाकी चलो यार दाना देते हैं हम कबूतरों को, इसका तो ड्रामा है डेली का, ये तो ऐसे करता रहता है। तो फाइनली का शाम हो चुकी है और फिर दोबारा सनसेट हो चुका, आज तो बिल्कुल अंधेरा ही हो चुका है। टाइम दिखा दूँ आपको, आज तो थोड़ा लेट हो गया, कल तो जल्दी चला गया था मैं। आज 5:16 हो रहे हैं आज भी। बाकी कबूतर हो गए हैं बंद सारे, और दाना वाना खा के मस्त चले गए सारे, उनको भी मैंने दाना दे दिया था अंदर।
बाकी कैच कैच रहेगा इसमें आधे, तो कैचों को मैं पहले बंद कर देता हूँ गेट खोल कर, क्योंकि गेट खोलूंगा तो खुद ही अंदर चले जाएंगे सारे। सो गाइस अभी ना मैं कबूतरों को बंद कर रहा था और मैंने बंद कर भी दिए सारे, और मैंने कबूतर को इधर उधर कर रहा था, मतलब जो कबूतर इसमें चले जाते हैं उनको इसमें डाल रहा था और जो इसमें चले जाते हैं उनको इसमें डाल रहा था। तो भाई मैंने देखा कि एक बच्चा ना भाई साइड में नीचे बैठा हुआ, तो मुझे लगा बैठा है, बट फिर मैंने गौर किया ना तो भाई वो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं भाई, देख सकते हो भाई बिल्कुल सही सलामत बच्चा गाइस, बिल्कुल सही सलामत, ना कोई बीमारी ना कुछ, कल तक बिल्कुल बढ़िया था कल तक। और इस ये भाई उन्हीं का बच्चा है दुआजो का, ठीक है ये देखो भाई इधर से पूरा सफ़ेद है, इधर लाल दुआज बच्चा निकल रहा था बिल्कुल बढ़िया, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ और अभी मरा है भाई बिल्कुल अभी, क्योंकि इसका शरीर जो है बिल्कुल भी नहीं अकड़ा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना लिटरली यार, बिल्कुल सही सलामत बच्चा यार। मैं आपको दिखा दूँ कौन सा जोड़ा है वो, देखो भाई इसकी मादी नहीं है ये पिलकन सी, उसका नर वो नीचे वाले और दुआज जो है ना वो है, पता नहीं यार कैसे मर गया, बिल्कुल सही बच्चा था यार, आप मानोगे नहीं बिल्कुल सही बच्चा, कुछ भी नहीं हो रखा था इसको थोड़ा सा भी, कल ही मैं बिल्कुल हाथ में पकड़ के देख कर गया हूँ, बट अभी मैंने देखा वो तो मैं अभी देख भी नहीं पाता, वो तो मेरा नज़र चली गई मेरी यार, इतना ज़्यादा लिटरली दुख हो रहा है मुझे। मूड ऑफ हो गया गाइस शाम को कबूतर बंद करते करते, बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और बाय जब तक के लिए।